हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मैं मनीषा। तो फ्रेंड, आज शेयर कर ली स्किन केयर रूटीन। स्किन केयर रूटीन बहुत जरूरी है हमारे स्किन के लिए, क्योंकि जो हमारे स्किन को हार्म होता है ना, मेकअप से, धूप से, पोल्यूशन से, जो भी हमारे स्किन को हार्म होता है, तो उसको रिपेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे कि हमारी स्किन ना अच्छे से ग्लो, जिससे कि हमारी स्किन ग्लो लगे और हाइड्रेट लगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, समर आ चुका है, उससे ना हमारी स्किन ना काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है और ना एकदम रूखी रूखी सी लगने लग जाती है, और धूप भी इतनी तेज़ पड़ रही है ना, धूप की वजह से चेहरा ना एकदम से टैन हो जाता है। तो उसको रिपेयर करने के लिए ना, तो मैंने कुछ सामान परचेस करा था गुड वाइब्स का, जो कि है रोज़ हिप की रेंज से। ये है रोज़ हिप स्क्रब, ये देखिए, ये भी गुड वाइब्स का है और ये भी रोज़ हिप फेस मास्क है। तो फ्रेंड, इसका रिव्यू मैं आज करूँगी। उससे पहले जो भी आपके स्किन पे ना मेकअप हो, आपको वो रिमूव करना अच्छे से। तो फ्रेंड, पहले हम अपना मेकअप रिमूव करेंगे। मेकअप रिमूव करेंगे हम अपना इससे, ये है आयूर का क्लींजिंग मिल्क। इससे क्या है ना फ्रेंड, आपका मेकअप एकदम से रिमूव हो जाता है। 2 मिनट अपने चेहरे पर मसाज करेंगे। फिर किसी कॉटन से या फिर टिश्यू से कपड़े से हम अपने फेस को अच्छे से कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, सारा मेकअप रिमूव हो चुका। उसके बाद में ना हम किसी अच्छे से फेस वॉश से अपने फेस को क्लीन कर लेंगे। देखिए मेकअप ना बिल्कुल रिमूव हो चुका है। उसके बाद में हम अपना फेस वॉश से अपने फेस को अच्छे से वॉश करेंगे। ये है वाओ स्किन साइंस का उपटन फेस वॉश, करता है हमारी हमारे फेस को क्लीन करने में और कर्लिफाई कॉम्प्लेक्शन, हमारे कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने में हमारी हेल्प करता है। तो एकदम से लिक्विड फॉर्म में है ये, देखिए, ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है ये वाला फेस वॉश। आप इसको अपने प्लम्प पे लेके अच्छे से दो मिनट के लिए अपने फेस पर मसाज करनी है अच्छे से, जिससे कि जो भी हमारे स्किन पर डर्ट या फिर मेकअप है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो मैं अपने फेस को वॉश कर आ, तो फ्रेंड मैं अपना फेस ना वॉश कर आ गई हूँ। उसके बाद में हम अपने चेहरे पर स्क्रब करेंगे। स्क्रब करें ना तो हमारा फेस हल्का हल्का सा गीला ही रहना चाहिए। तो फेस स्क्रब है ये गुड वाइब्स का। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट में नो पैराबिन, नो सल्फेट फ्री प्रोडक्ट होते हैं ये। तो फ्रेंड, ये हमारे फेस के लिए बिल्कुल सही प्रोडक्ट है, कोई हार्म नहीं होता। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन भी है तो भी आपकी स्किन पर आराम से जाएगा। प्राइस की बात कर लूँ तो 150 के अराउंड था, पर ये हाँ 150 में ही शायद मुझे मिला था, और वैसे ज़्यादा प्राइस लिखा हुआ था इस पर। तो फ्रेंड, इसकी ना एकदम रोज़ जैसी महक आ रही थी इसमें से, इसकी जो स्मेल है ना रोज़ के फूल जैसी। तो अब स्क्रब करेंगे तो हल्का सा ना गीला कर लेंगे अपने फेस को, और फिर फेस पर इसको फैलाकर फिर अपने फेस पे धीरे धीरे से हम स्क्रब करेंगे। हल्का हल्का पानी ले लेके हम
सिर्फ 5 या 7 मिनट के लिए अपने फेस को अच्छे से स्क्रब करेंगे अपने माउथ के अराउंड, चिक्स पर, नोज़ पर हम ज़्यादा टाइम देंगे क्योंकि नोज़ पर ना हमारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हल्का हल्का पानी लेके हमें अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने फेस को अच्छे से स्क्रब कर लेना। ये देखिए वीडियो में आपको तेज़ लग रहा होगा, बट मैं वैसे बिल्कुल धीरे 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 कर रही थी क्योंकि वीडियो स्पीड पे चल रही है ना, इस वजह से आपको ज़्यादा लगेगा कि मैं तेज तेज कर रही हूँ। अच्छे से स्क्रब कर लेना अपने फेस को काफ़ी अच्छे से, जिससे कि हमारे पोर्स एकदम से क्लीन हो जाए। तो फ्रेंड गुड वाइब्स के प्रोडक्ट हैं और प्रोडक्ट का जो भी बाय लिंक होगा ना मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ पर जाकर इसको बाय कर सकते हैं। अच्छे से आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है अपने फेस पर। मेरी वीडियो ना रुक रही थी, पता नहीं क्यों यार कैमरे में कुछ दिक्कत हो रही जिससे कि वीडियो रुक रही है। अब उसके बाद में किसी कपड़े से या कॉटन की हेल्प से हम अपना स्क्रब रिमूव कर लेंगे। देखिए मैंने टिश्यू पेपर लिया था, उसे गीला करके अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लिया मैंने। ये देखिए आप चमक देख सकते हैं फ्रेंड मेरे फेस पे, सिर्फ स्क्रब के बाद ही ना फेस एकदम से खिल चुका था। उसके बाद में लेंगे हम गुड वाइब्स का ही रोज हिप का फेस मास्क। ये मास्क हमारी स्किन को ना ग्लो प्रोवाइड करता है और फेस स्क्रब के बाद तो ना पैक लगाना जरूर चाहिए क्योंकि जो भी पोर्स ओपन होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं फेस पैक यूज़ करने के बाद में। तो फ्रेंड ये हमारे फेस को ना, जैसे हमारा फेस डल हो जाता है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा फेस मास्क है। इस पे ना 250 रेट लिखा है पर ये कम में मिला था। ये देखिए हल्के पिंक से एकदम रोजेस से कलर का है ये, और इसकी स्मेल भी ना एकदम रोज वाली है। इसके अंदर ना आई थिंक काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर डाल रखे हैं। एकदम से ना आपकी स्किन आप देखेंगे इसको लगाने के बाद में ऑयल फ्री सी आपको महसूस होगी। आपको ना आप चाहे तो इसे ब्रश से भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसे अपनी फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं। मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है अपने हाथ से ही लगाना क्योंकि फेस मास्क को ना हमेशा हाथ से लगाओगे ना तो एकदम से अच्छे से फैल जाता है और आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट तो यार ब्रश में ही रह जाता, मुझे पसंद नहीं आता फिर वो, इसलिए मैं तो अपने हाथ से ही लगा लेती हूँ। देखिए अपने आइज़ के अराउंड, मतलब अच्छे से इसको अपने पूरे फेस पर लगा लेंगे। हल्के से पिंकिश से कलर काफ़ी अच्छा लगा मुझे और प्रोडक्ट तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि गुड वाइब्स के जितने भी प्रोडक्ट है ना यार मुझे काफ़ी सूट करते हैं। मेरी जबकि ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, पर इन प्रोडक्ट से मुझे कोई हार्म नहीं होता मेरे फेस पर। ये देखिए अच्छे से पूरे फेस पर लगा लेना, लगाने के 10 से 15 मिनट के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना और इसको भी रिमूव करने का तरीका भी हम आपको बताएँगे अपनी आगे वीडियो में। इसको ना आप अपनी आईज़ पे भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कोई हार्म नहीं होगा अगर आप इसको अच्छे से अपनी आईज़ वगैरह पे लगा लेंगे ना, तो कोई हार्म नहीं होगा। बस ये देखिए अगर आप नहा चुके हैं ना तो आप अपने उसी फेस पे लगा सकते हैं, जैसे कि मैं नहा चुकी थी उसके बाद ही मैंने फिर क्लीन अप करा था। पर अगर नहाने से पहले लगा रहे तो अपनी गर्दन वगैरह पर भी इसको ज़रूर लगाएँ। तो फ्रेंड 15 मिनट के बाद मैंने ना चेहरा बिल्कुल फेस वो मास्क था जो बिल्कुल सूख चुका था, उसके बाद में हल्का सा पानी लेके ना 2 मिनट के लिए अपने फेस को मसाज देनी है जिससे कि ना अच्छे से जो हमारा फेस पैक है ना वो अच्छे से हम निकाल सकें टिश्यू वगैरह के हेल्प से। उसके बाद टिश्यू लेंगे और पूरा अच्छे से निकाल लेंगे उसको। ये देखिए पूरा साफ़ कर लिया मैंने। उसके बाद में आप चाहें तो इसको प्लेन वाटर से ठंडे पानी की हेल्प से इसको धो सकते हैं। मैं अभी अपने फेस को ठंडे पानी से धोकर आती हूँ। फ्रेंड मैं अपने फेस को ना कितने मतलब ठंडे पानी की हेल्प से पूरा फेस पैक अपना रिमूव कर रहा हूँ। इसको पैड ड्राई करेंगे अच्छे से। आप देख ही सकते हैं मेरे फेस पर कितना
बाल देखे शाइन कर रहा, मेरी नोज, मेरी चीक्स, चीन। अब उसके बाद में जो भी हमारा नाइट स्किन केयर रूटीन है वो फॉलो करेंगे। ये मेरा कुकुम्बर का टोनर है, तो अपने फेस को टोन कर लेंगे अच्छे से, डैब डैब करके इसको 2 मिनट के लिए अब्जॉर्ब होने देंगे अपनी स्किन में। उसके बाद में ना नेविया का सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर चिलेड मिंट, ये मिंट वाला है, तो इसका रिव्यू मैं ना अलग से दूंगी। अभी कुछ ही दिन हुए हैं मुझे इसे अप्लाई करते करते, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। जिस हिसाब से मेरी स्किन है ना, ऑयली स्किन, उस हिसाब से एकदम से लाइट वेट है ये, तो इसका रिव्यू मैं अलग से दूंगी अपने चैनल पर। ये देखिए, देख सकते हैं अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया मेरी स्किन में जो टोनर था। उसके बाद में हम अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट से ना थोड़ा थोड़ा हमारा फेस ना ऐसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो ना हमें मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। आप अपनी स्किन के हिसाब से चुनिए, ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन वाला, यानी कि जेल बेस, या लाइट वेट मॉइस्चराइजर। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के हिसाब से भी काफ़ी मॉइस्चराइज़र आपको मिल जाएंगे। इसको अच्छे से लगा लेंगे। उसके बाद में हम अपने लिप्स पर अपना लिप बाम अप्लाई करेंगे। ये देखिए, ये है बायोटिक का बायो फ्रूट लिप बाम। तो फ्रेंड, जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं ना, उसका बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो ना थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइबर बटन के साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।